नमस्कार, मैं हूं दिवांजलि मोइत्रा। कहते हैं झुकता वही है जिसमें जान होती, अकड़ तो मुर्दों की पहचान होती। आपने वर्दी में अकड़ दिखाने वाले पुलिसकर्मियों को तो बहुत देखा होगा, लेकिन आज जरा यूपी के प्रयागराज जिले के एसएसपी आवास में बुजुर्ग अम्मा के सामने बैठे इन दरोगा साहब को देख लीजिए। शरीर पर वर्दी, कंधे पर सितारा है तो क्या हुआ। जिन लोगों की सेवा के लिए ये वर्दी मिली है, ये सितारा मिला है, उनके सामने तो झुकना भी आज इस वर्दी के लिए गर्व की बात रही होगी। नहीं तो यूं ही यूपी के तेज तर्रार आईपीएस अफसर नवनीत सिकेरा नहीं कह देते कि इस पुलिस अफसर ने वर्दी का मान बढ़ा दिया। जिस आईपीएस पर वेब सीरीज भौकाल बनाई गई, वो आईपीएस नवनीत सिकेरा की नजर से ये तस्वीर गुजरी तो उन्होंने तुरंत इसे अपने फेसबुक पेज पर पोस्ट कर दिया और इस अवसर पर गर्व करते हुए लिखा, वृद्ध महिला ने कुर्सी पर बैठने से मना कर दिया तो वर्दी होने का गुरूर नहीं बल्कि वर्दी का मान बढ़ा दिया। अम्मा के साथ खुद भी जमीन पर बैठकर इस पुलिस अधिकारी ने, मेरा व्यक्तिगत साधुवाद इस युवा सब इंस्पेक्टर को, ईश्वर ने चाहा तो मुलाकात होगी कभी। जिस युवा अफसर ने अपनी जनसेवा से आईपीएस नवनीत सिकेरा का दिल जीत लिया, चलिए अब उस युवा अफसर और फरियाद लेकर एसएसपी आवास पहुंची अम्मा के बारे में भी आपको बता देता हूं। क्या है इस तस्वीर की सच्चाई। ये जो 75 साल की बुजुर्ग अम्मा जिले के कप्तान के आवास में जमीन पर बैठी, इनका नाम है गायत्री और ये हंडिया से पैदल ही चलकर यहाँ पहुंची थी। इस उम्र में पैदल चलते चलते बुजुर्ग महिला इतनी थक गई कि एसएसपी आवास पहुंचते ही जमीन पर ही बैठ गए। बुजुर्ग अम्मा को जब इस हालत में पुलिसकर्मियों ने देखा तो महिला सिपाही को उनसे बात करने के लिए भेजा। महिला सिपाही ने वहां आने की वजह पूछी तो बूढ़ी अम्मा ने गुस्सा जताते हुए कहा कि हम बड़े साहब से ही बात करब और कोनों से ना ही बात करा का हमका, यानी हम सिर्फ एसएसपी से ही बात करेंगे और किसी से नहीं। अम्मा की जिद पर दारोगा विपिन पाल उनसे बात करने आए। दारोगा ने अम्मा से कुर्सी पर बैठने को कहा तो उन्होंने कहा कि भूई पर बैठब, कुर्सी पर नहीं, कोनों से कोई बतिया ना करब, बड़े साहब के बुलावा, यानी जमीन पर ही बैठेंगे और किसी से बात नहीं करेंगे, एसएसपी साहब को बुलाइए। अम्मा की जिद के आगे हारे दारोगा विपिन पाल भी वहीं जमीन पर बैठ गए। दारोगा ने काफी समझाया बुझाया और उनकी समस्या का हल करने की बात कही तो अम्मा ने अपना नाम गायत्री और पता हंडिया बताया। क्या है अम्मा की समस्या। हंडिया से पैदल चलकर प्रयागराज स्थित एसएसपी आवास में अपनी फरियाद लेकर पहुंची अम्मा ने बताया कि वो बहुत दिन से परेशान, घर के बाहर नाली बनी है, बारिश में पड़ोसी के घर का पानी उधर से बहता है जिससे आने जाने में काफी परेशानी होती है, पड़ोसी से पानी बहाने से मना करो तो वो लड़ने झगड़ने लगता है। अम्मा की फरियाद पर तुरंत हुआ एक्शन। बुजुर्ग अम्मा की समस्या सुनने के बाद दरोगा विपिन पाल ने उनके सामने ही इंस्पेक्टर हंडिया को फोन किया और पूरा मसला बताया और फिर दरोगा ने अम्मा को आश्वासन दिया कि उनकी समस्या जल्द दूर हो जाएगी। इसके बाद वो एसएसपी आवास से हंडिया के लिए रवाना हो गए। शाम को पुलिस ने पड़ोसी को बुलाकर पानी नहीं बहाने की सख्त हिदायत दी। हंडिया थाना प्रभारी का कहना है कि समस्या का निस्तारण कर दिया गया। जिस तरह से इस पुलिस अफसर ने बुजुर्ग अम्मा की समस्या उनके साथ जमीन पर बैठकर सुनी और फिर तुरंत एक्शन लिया, इस पर आपका क्या कहना है। अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।